सीएम साइंस कॉलेज में एयर नेक्स्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम साइंस कॉलेज एवं आकाशवाणी दरभंगा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को एयर नेक्स्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कामेश्वर भवन में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रदान के आधार पर तैयार मेध सूची में शामिल प्रतिभागियों को आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। मौके पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना छात्रों के व्यक्तित्व के विकास की दिशा में कारगर कदम साबित होगा। आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासी अमरनाथ प्रसाद ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर युवा स्वर के प्रसारण से जोड़कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। मैथिली विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए इसे आगे बढ़ाया। हम स्वागत करते हैं अपने महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के डॉक्टर रश्मि रेखा मैम का। हम स्वागत करते हैं आप सब तमाम छात्र छात्राओं का जो इस प्रतियोगिता में उपस्थित हुए हैं और जो इसके सहभागी के रूप में अभी कामेश्वर भवन हॉल में पधारे हैं। बिना समय गंवाए आज की प्रतियोगिता का हम लोग शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं, कर्तव्य ध्वनि से करेंगे, आकाशवाणी दरभंगा के प्रसारण अधिशासी श्री नितेश मिश्र हम लोग के बीच उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आकाशवाणी से आए ये वरीय पदाधिकारी हम लोगों के महाविद्यालय में उपस्थित हुए हैं। इनका भी हम लोग कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे और आकाशवाणी दरभंगा से आए उद्घोषक श्री विपिन कुमार राय जिनकी उद्घोषणा हम लोग सुनते हैं। एक पुराने उद्घोषक काफी अरसे से आकाशवाणी दरभंगा से जुड़े, इनका कर्तव्य ध्वनि से हम लोग स्वागत करेंगे। जैसा कि सत्येंद्र जी ने बताया, इस कार्यक्रम के बारे में आपको सूचना दी जा चुकी है। हम इसके बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जितने भी आकाशवाणी के केंद्र हैं, आपको बता दें 400 से अधिक केंद्र हैं पूरे भारतवर्ष में और ये जितने भी केंद्र हैं जहाँ से प्रसारण होता है, वे सारे केंद्र जो आसपास के कॉलेज स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ जा करके वहाँ के स्टूडेंट के साथ ये प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं और उसी का ये अंश है। दरभंगा में ये कार्यक्रम हमारा 5वां अंक, सबसे पहले हमने शुरू किया था MRM कॉलेज से, दूसरा CM कॉलेज, तीसरा KS कॉलेज, चौथा MLSM कॉलेज और आपका ये 5वां जो आयोजन है आपके कॉलेज में है, यानी कि CM साइंस कॉलेज। तो जो इसका जो नियम है, इसमें होगा क्या, जो आज जो विजेता बनेंगे आपके बीच से, उन्हें रेडियो पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है जो कि परसों यानी कि रविवार के दिन दोपहर 2 बजे प्रसारित होगा। आपको स्टूडियो जा करके रिकॉर्डिंग करनी होगी उस कार्यक्रम की और एक पूरा दिन आपका बीतेगा उसकी स्क्रिप्टिंग और उसकी रिकॉर्डिंग एडिटिंग सबसे आप लोग जान पाएंगे किस तरह से रेडियो में काम होता है। और जो प्रसारण होगा वो बिहार राज्य स्थित सभी आकाशवाणी केंद्र करेंगे। आपको बता दें बिहार में जो केंद्र प्रसारित करते हैं इस कार्यक्रम को, उनके नाम हैं आकाशवाणी दरभंगा जो आपके शहर में है, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी सासाराम, आकाशवाणी पूर्णिया, आकाशवाणी भागलपुर, इतने केंद्रों से। और इसके साथ साथ आपको जो सुनने वाले होंगे वो पूरे विश्व भर में होंगे क्योंकि अभी जो आकाशवाणी के केंद्र हैं वो इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व भर में सुने जा सकते हैं। एक ऐप का नाम आपको बताते हैं, News on AIR। ये News on AIR आप प्ले स्टोर में जाकर के इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आकाशवाणी के जितने कार्यक्रम हैं उसको सुन सकते हैं, हमारे केंद्र के भी सुन सकते हैं और अन्य केंद्रों के भी। ऑनलाइन स्टडी और स्कूल की स्टडी तथा कॉलेज की स्टडी पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब पिछले साल लॉकडाउन लग गया था तो एक ही शिक्षा थी जो हम लोगों को इस आपत्ति से बचा सकती थी,
वह थी ऑनलाइन की शिक्षा, लेकिन आज ऑनलाइन शिक्षा का भी स्तर गिरता जा रहा है। लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन जैसे चीज़ों पर ध्यान दे जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के समय दूसरे चीज़ों पर ध्यान दे जा रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं होती है। लेकिन आज भी हम कॉलेज करने के लिए नहीं आते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास करते हैं। स्कूल की पढ़ाई जो होती है और कॉलेज की पढ़ाई जो होती है वो ऑनलाइन शिक्षा से बहुत अच्छी होती है। ऑनलाइन शिक्षा में हमें कुछ माहौल नहीं मिल पाता है, लेकिन कॉलेज में हमें बहुत अच्छा माहौल मिल पाता है और हम कुछ प्रैक्टिकल और तकनीकी ज्ञान भी सीख पाते हैं। वहाँ पर एक अच्छा संस्कार मिलता है। इसीलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन स्टडी से बढ़िया स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए आइए, वही बेहतर रहेगा।